नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube के चैनल पर। दोस्तों, ये लेक्चर दिव्यांगों को समर्पित है। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, तो बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी तथा सर्वप्रथम चार्ल्स मैनसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के दबे होने की बात लिखी। यह सभ्यता उत्तर में मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में आता है, से लेकर दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक व पश्चिम में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान से पूर्व में आलमगीरपुर यूपी तक फैला हुआ है। यह संपूर्ण क्षेत्र 12,99,600 वर्ग किलोमीटर अर्थात 13 लाख वर्ग किलोमीटर में त्रिभुजाकार रूप में फैला है। सर्वप्रथम 1921 में रावी नदी के तट पर मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान के हड़प्पा में दयाराम साहनी के नेतृत्व में उत्खनन हुआ, जबकि दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो था, जो कि 1922 में राखलदास बनर्जी ने उत्खनित करवाया, जो कि सिंधु नदी के किनारे लरकाना जिला पाकिस्तान में स्थित था। यह सभ्यता 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक अपने विकसित चरण में थी। अब बात कर लेते हैं इसके प्रमुख स्थलों के बारे में। तो सबसे पहला हड़प्पा। हड़प्पा के अंतर्गत विशाल अन्नागार, R-37 कब्र, शंख का बना बैल, धोती पहने मूर्ति, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, कांसे का दर्पण, अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरे जिसमें एक सींग वाले पशु की आकृति आदि, तथा यहाँ शव उत्तर से दक्षिण में दफनाए जाते थे। इसके अलावा एच कब्रिस्तान, चालाक लोमड़ी व प्यासे कौवे की कहानी हमें हड़प्पा से मिली है। दूसरा, मोहनजोदाड़ो। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यहाँ पर स्नानागार, अन्नागार, महाविद्यालय भवन, कांसे की नग्न नर्तकी, दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति, 6 चिमनियाँ, पशुपति शिव की मूर्ति, सीप की बनी स्केल व सेल घड़ी के विभिन्न पदार्थ तथा यहाँ पर सर्वाधिक मोहरें हमको मिली है। तीसरा, कालीबंगन। इसका शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियों से है। यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य, बाघ का चिन्ह, पक्की मिट्टी का हल, अग्निकुंड जिसे यज्ञ वेदिका भी कहा जाता है, लकड़ी के पाइप, कच्ची व अलंकृत ईंटें, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, ऊंट की हड्डियां, शल्य चिकित्सा जिसमें बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद थे। यहाँ पूरी सभ्यता में एक अलग विशेषता है, यहाँ पर फर्श पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। चौथा, चौनहुदड़ो। मन के बनाने का कारखाना मिला है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता व हाथी तथा लिपस्टिक, मछलियों व घड़ियाल व मोर के निशान यहाँ प्राप्त हुए हैं व तथा यह एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें हमें प्राप्त होती है। पांचवा स्थल है लोथल, जिसे मुर्दों का नगर भी कहा जाता है। यहाँ से डॉकयार्ड, केवल यहीं से ही बंदरगाह हमें मिला है। फारस की मोहर, धान व बाजरा, घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ आदि हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। यहाँ पर स्त्री पुरुषों को साथ में सवाधान किया जाता था। कौवा व लोमड़ी के चित्र, दिशा मापक यंत्र, बैल व खरगोश की आकृतियाँ तथा आटा पीसने के 2 पार्ट हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। छठा शहर है बनावली। यहाँ पर हमें जो, जिसे यव भी कहा जाता है, का साक्ष्य, पक्की मिट्टी के बने हल्की आकृति व वॉश बेसिन की आकृति हमें यहाँ पर मिली है। सातवां, रोपड़। यहाँ पर आदमी के साथ कुत्ते को दफनाया जाना अर्थात पशु प्रेम का ये भाव प्रकट करता है तथा अंडाकार कब्रें हमें यहाँ से मिली है। आठवां, सुरकोटदा। यहाँ से घोड़े की अस्थियों का साक्ष्य हमें मिला है। नवां, यह धोलावीरा। इसका शाब्दिक अर्थ है सफ़ेद कुआं। यह अन्य शहरों से अलग था। अन्य शहर 2 भागों में बटे हुए थे जबकि यह 3 भागों में बटा हुआ था। तो दोस्तों, ये था स्थलों के बारे में जानकारी। अब इसके अलग अलग पॉइंट ले लेते हैं। सबसे पहले नगर योजना। नगर योजना में कुछ पॉइंट्स है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर पक्की ईंटों, चूने व जिप्सम का प्रयोग किया गया था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे ऑक्सफोर्ड पद्धति नाम दिया जाता है। 2 टीलों पर नगर पाया जाता था, पश्चिमी पर दुर्ग व पूर्वी पर सामान्य लोग रहा करते थे। सड़कों के दोनों ओर नालियां व पानी की उचित निकासी की व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानाकार, जिसकी सतह जिप्सम तथा बिटुमिनस से जोड़ी गई थी। प्रत्येक मकान के बीच में एक आंगन होता था। मकान 2 मंजिला भी थे। दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। ईंटों का एक निश्चित अनुपात 4:2:1 में हुआ करता था तथा कालीबंगा में निर्मित सड़कें व गलियों को एक सामानुपातिक ढंग से बनाया गया था। अब बात करें यहाँ की सामाजिक स्थिति की, तो ये मातृ प्रधान
वह मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। यहाँ पर योद्धा वर्ग के होने के साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। ये शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। ये गेहूं, जौ, खजूर, भेड़, सुअर व मछली का मांस पसंद करते थे, अर्थात प्रयोग में लाया जाता था। पुरुष दाढ़ी के शौकीन थे। महिलाओं के लिए प्रसाधन की सामग्री, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियों में काजल, पाउडर, लिपस्टिक, दर्पण आदि हमें मिले हैं, तथा यहाँ तीन प्रकार से शवादान, आंशिक व पूर्ण व दाह संस्कार के रूप में हमें शवादान यहाँ से मिला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ की आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति में तीन पॉइंट मैंने अलग अलग लिए हैं, पहला कृषि, दूसरा पशुपालन और तीसरा व्यापार व वाणिज्य। तो बात करें कृषि, कृषि के अंतर्गत यहाँ 9 तरह के अनाज बोए जाते थे या खाए जाते थे। पहला गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, चावल, कपास तथा बाजरा, तथा यहाँ पर तरबूज, खरबूजा, नारियल, अनार, नींबू तथा केले से ये लोग परिचित थे। अब बात करें यहाँ पर खेती चावल की कहाँ कहाँ होती थी। चावल की खेती यहाँ लोथल व रंगपुर में हुआ करती थी। हमको सबसे पहले पूरे विश्व में कपास इसी सभ्यता में पैदा हुई, ऐसा अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है, तथा यहाँ पर लकड़ी के हल भी मिले हैं। पशुपालन के अंतर्गत ये लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ व सुअर को पालते थे, तथा इनका सबसे प्रिय जानवर था कुबड़ वाला सांड। घोड़े की अस्थियाँ हमें सुरकोटदा से प्राप्त हुई है, जबकि ऊँट की अस्थियाँ हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई है। बंदर, खरगोश, हिरण, मुर्गा, मोर, तोता व उल्लू के अवशेष खिलौने व मूर्तियों के रूप में हमें यहाँ पर मिले हैं। अब बात करें व्यापार व वाणिज्य की। ये लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे, अर्थात वस्तु के बदले वस्तु लेने का कार्य करते थे। आंतरिक व्यापार कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात व बलूचिस्तान से किया जाता था। बाहरी व्यापार मेसोपोटामिया, फारस तथा अफगानिस्तान से हुआ करता था। दिलमुन, सैंधव व मेसोपोटामिया के मध्य मध्यस्थ बंदरगाह का काम करता था। अब बात कर लेते हैं धार्मिक स्थिति के बारे में। धार्मिक स्थिति के अंतर्गत मानव, पशु व वृक्ष तीनों रूप में ईश्वर की ये लोग उपासना करते थे। स्वास्तिक व चक्र, चक्र अर्थात सूर्य जिसे हम आजकल चक्र का रूप दे देते हैं, वह यहाँ से हमें मिले हैं प्रतीकों के रूप में। कुबड़ वाले सांड की विशेष पूजा की जाती थी। मातृ देवी की उपासना, पशुपति शिव की उपासना, लिंग, योनि तथा नाग पूजा यहाँ पर की जाती होगी। अगला पॉइंट, भूत प्रेत तंत्र मंत्र व अंधविश्वास यहाँ पर फैला हुआ था। अगला पॉइंट, मोहनजोदाड़ो से एक मुहर मिली है जिसमें एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है, जिसके सिर पर 3 सींग हैं, बाईं ओर एक गैंडा व एक भैंसा वह दाई और एक हाथी व एक बाघ इसके बैठा है, तथा आसन के नीचे 2 हिरण बैठे हैं। इन्हें पशुपति शिव की मूर्ति माना गया है। अब बात करें सैंधव काल की कला व शिल्प की। तो यहाँ पर कांसे से मूर्ति बनाना, मृण मूर्तियाँ बनाना, मन का निर्माण व मुहर निर्माण यहाँ का प्रसिद्ध था। भारत में चांदी सर्वप्रथम इसी सभ्यता में हमें मिली है। मोहनजोदाड़ो से एक योगी की मूर्ति मिली है जो कि शॉल ओढ़े हुए है। यहाँ की लिपि में 65 मूल चिन्ह व 250 से 400 तक चित्राक्षर हैं। यह लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसको दाईं से बाईं और फिर बाईं से दाईं ओर लिखते थे, जिसे बोस्ट्रोफेदन पद्धति भी कहते हैं। यू आकार का वह मछली का चिन्ह यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिला है। मापतोल के लिए 16 या उसके अनुपात में बाट थे, जो कि घन के आकार के, बेलन के आकार के, शंकु व ढोल के आकार के हुआ करते थे। मुहरों की अगर बात की जाए तो मुहरें चौकोर, बेलनाकार, वृत्ताकार मुहरें यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिली है, जो कि सैल खड़ी में सर्वाधिक बनी हुई है। सैल खड़ी को स्टेलाइट भी कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मुहर में पीपल की 2 शाखाओं के बीच कोई निर्वस्त्र देवी खड़ी है। इनके सामने एक भक्त घुटनों के बल है, वह इस भक्त के पीछे मानवीय मुख से युक्त एक बकरी खड़ी है, और नीचे की ओर 7 भक्तगण नृत्य में मगन दिखाई दे रहे हैं। अब बात करें इसके पतन आखिरकार हुआ कैसे इसका, तो कोई एक कारण नहीं है। अनेक विद्वानों ने भिन्न भिन्न कारण दिए हैं, जिसमें पारिस्थितिकी संतुलन असंतुलन, जलवायु में परिवर्तन, बाढ़, नदी मार्ग परिवर्तन, बाह्य आक्रमण, प्रशासनिक शिथिलता व महामारी या बीमारी बताया गया है। अब मुख्य बात करें जो मेंस में आने लायक है कि आखिरकार हमें इस सभ्यता से क्या सीखने को मिला है, या इस सभ्यता की क्या देन है हमारे लिए। तो इस सभ्यता की देनों को पॉइंट्स में कुछ लिखा है मैंने, तो आप लोगों के सामने पेश है कि हमें क्या मिला है यहाँ से। नगर नियोजन व नालियों की व्यवस्था, दूसरा स्वास्तिक चक्र आदि प्रतीक चिन्ह, तीसरा मापतोल की प्रणाली, चौथा
योगी का जो चिन्ह मिला है उसे हम योग का प्रचलन भी यहाँ से मान सकते हैं। पांचवा, पशुओं का धार्मिक महत्व यहाँ से लिया है हमने। छठा, ताबीज व तंत्र मंत्र का प्रयोग यहाँ से होता था। सातवां, बहुफसली कृषि व्यवस्था। आठवां, जो अग्नि वेदिका यज्ञ वेदिका मिली है उससे यज्ञ का हमने यहाँ से कॉन्सेप्ट लिया है। नवा, मुहरों का उपयोग। दसवां, रहन सहन व सौंदर्य प्रसाधन। ग्यारहवा, बैलगाड़ी। बारहवा, व्यापार। और तेरहवा, बहुदेववाद का प्रचलन। तो मित्रों, ये था सैंधव सभ्यता के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आपको कैसा लगा? अपने सुझाव जरूर मुझे व्हाट्सएप नंबर 9928001400 पर भेजें। जय हिंद, जय भारत।